बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपको पता है कि ये एक कबायली इलाका है डेरा भुट्टी, और ज़्यादातर जितने लोग हैं सब भुट्टी रहते हैं। तो पहले मैंने ये सोचा था जी मैं नहीं हिस्सा लूँगा, वो अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से और कोई कामों की वजह से। लेकिन उसके बाद ये 19 तारीख को आवाम को जिस टाइम एक दावत दिया था कि उसके अंदर आवाम का ये फैसला था कि नहीं, आप हिस्सा हर सूरत लेंगे, हम आपको बैठने नहीं देंगे। तो आपको पता है ये तो सुन्नत का तरीका है मशवरा लेना, तो आवाम से जब मशवरा किया था उन्होंने छोड़ा नहीं, और फिर हम खड़े हो गए और इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे। और जितने भी कैंडिडेट इधर कागज़ जमा करेंगे, हम यही चाहते हैं कि सबके साथ मिलकर एक अच्छा माहौल, पुरअमन माहौल से एक इलेक्शन हो जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। शुक्रिया जी। अभी तक सोचा तो नहीं है, कागजात जमा करेंगे क्योंकि आपको पता है, और फिर जो पार्टी का फैसला होगा फिर उसी पर मुशावरत होगा पार्टी की तरफ से, फिर जो पार्टी का फैसला हम वही करेंगे। आवाम के लिए ये मेरा मैसेज होगा जी, ये पुरअमन तरीके से मेहरबानी कर आप ये इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें, और इंशाल्लाह हमारा ये ख्वाहिश है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और एक और बात ज़रूरी है कि वोट वाले दिन निकलें, क्योंकि ये बार बार वोट नहीं होते हैं, हर 5 साल के बाद आते हैं। वो अपने जो उनका राइट है, आइनी हक है, उसका इस्तेमाल करें और जो उनको बेहतर लगे उसके लिए वोट दें। शुक्रिया।